जीनियस थर्ड केस आपका क्या बोलता है? रुपीज 1,20,000 वर्थ ऑफ गुड्स वर सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस. किस बेसिस पर बेचे बोलो? अप्रूवल बेसिस पर. ऑन 1 दिसंबर 2018 1/12/2018 को इन्होंने बेच दिए अप्रूवल बेसिस पर. यानी कि अभी जो है बिके नहीं है, पता नहीं है कि बिकेंगे या नहीं, क्योंकि अप्रूवल नहीं आया. द पीरियड ऑफ अप्रूवल वॉज 3 months आफ्टर विच देवर कंसिडर्ड सो. यानी कि 3 months जो है वो उन्होंने क्या रखा है, पीरियड ऑफ अप्रूवल. यानी कि इस टाइम तक 3 महीने तक अगर उन्होंने कुछ भी ना बोला तो हम क्या मान लेंगे कि उनकी हाँ है, और हम जो है वो उसको सेल्स मान लेंगे. बायर सेंट अप्रूवल फॉर 75% गुड्स अप टू 31 January 2019. यानी 2 महीने के अंदर उन्होंने कितने का अप्रूवल दे दिया, 75% का तो दे दिया. खुद बोला उन्होंने हाँ, ठीक है, खुद बोला उन्होंने हाँ, तो भैया हाँ ही है. एंड नो अप्रूवल और डिसअप्रूवल रिसीव फॉर रिमेनिंग गुड्स टिल 31 मार्च 2019. यानी आपके हो गए 4 महीने, क्योंकि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने हो गए, और अप्रूवल का पीरियड कितना था, 3 महीने. अब ध्यान से सुनना, आपने अगर सेल ऑन अप्रूवल वाला वो पढ़ा होगा चैप्टर, तो वहाँ पर 2 चीज़ें थी. यानी कब हम उसे सेल मान सकते हैं, एक तो उसने खुद बोला है हाँ, ठीक है, उसने खुद जो है अपनी हाँ बोली है, अप्रूवल दिया है, तो हम मान लेंगे सेल है, क्योंकि भाई खुद ही बोला है तो मानेंगे. सेकंड चीज़, अगर जो टाइम है अप्रूवल का वो इलेप्स्ड हो गया, यानी कि वो ख़त्म हो गया, तो हम क्या मानेंगे कि सेल हो गई. यानी कि दोनों ही केस में हम मानेंगे कि सेल हो गई. एक तो उन्होंने हाँ बोला है, और एक उन्होंने टाइम इलेप्स तक कुछ भी नहीं बोला, ना हाँ बोली ना ना बोली, तब भी हम क्या मानेंगे, हाँ मानेंगे. तो यहाँ पर देखो, जो गुड्स हैं उनका 75% गुड्स के लिए तो उन्होंने हाँ बोली है, यानी कि 75% को क्या मानेंगे हम, सेल कंसीडर कर लेंगे, ठीक है. और बाकी के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन जो टाइम है वो इलेप्स्ड हो गया, तो टाइम इलेप्स्ड हो गया, यानी कि हम क्या मानेंगे, हाँ है, यानी सेल कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि 3 महीने जो है वो हो चुके हैं. भाई 3 महीने तक तुमने हमारे गुड्स अपने पास रखे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको वो गुड्स चाहिए. और हमारा जो अप्रूवल बेसिस टाइम था वो कितना था, 3 महीने. तो उन्होंने 3 महीने जो है तक कुछ भी नहीं बोला, तो हम मान लेंगे हाँ. तो बताओ यहाँ पर हम सेल कितनी मानेंगे, 75%, 25% या 100%, बोलो. पूरी 100%, पूरी 100%, यानी कि पूरी की पूरी 1,20,000 को अपन सेल कंसीडर करेंगे, ठीक है. क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि 75% का तो उन्होंने खुद हाँ बोली है, खुद अप्रूवल दिया है, और 25% के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन टाइम जो है वो लैप्स्ड हो गया हाँ ना बोलने का, ठीक है, तो अब हाँ ही मानेंगे. तो उम्मीद है आपको थर्ड केस भी समझ में आया होगा. चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट केस पर, केस नंबर 4. बहुत ही छोटो सा केस है, पढ़ते हैं फटाफट से और ख़त्म भी करते हैं. अपार्ट फ्रॉम द अबव, यानी कि ऊपर को छोड़ के तीनों, अब कुछ नया बोल रहे हैं वो. द कंपनी हैज़ मेड कैश सेल्स ऑफ 7,80,000. कंपनी ने कितने की सेल करी, कैश सेल्स करी 7,80,000 की, ठीक है. लेकिन ये जो अमाउंट है वो ग्रॉस है, 7,80,000 जो है वो ग्रॉस है. ग्रॉस का मतलब इसमें कुछ ऐड है जो कि अभी माइनस करना होगा. ग्रॉस का मतलब कुछ ऐड है. ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5% वॉज अलाउड ऑन द कैश सेल्स. कैश सेल्स पर अपन क्या करते हैं, 5% का ट्रेड डिस्काउंट और अलाउड करते हैं. तो अगर आपने बचपन में जनरल एंट्री सीखी होगी, बचपन मतलब अपना 11th स्टैंडर्ड में जब स्टार्टिंग होती है हमारी अकाउंट्स की, तो पहला ही चैप्टर होता है जनरल एंट्रीज का. जनरल एंट्रीज धीरे धीरे अपन सीखते हैं, और उसमें 2-3 टॉपिक के बाद एक टॉपिक आता है, वो होता है आपका TDCD. TDCD मतलब अपना ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट. तो वहाँ पर अपन को बोला जाता था कि इतने की सेल्स है और इतना ट्रेड डिस्काउंट है, तो हम कैश अकाउंट डेबिट यानी कि पैसा आया टू सेल्स ऐसे करके एंट्री डालते थे. लेकिन कैसे एंट्री डालते थे, क्या ग्रॉस अमाउंट करके डालते थे, याद होगा आपको आज तक वो चीज़ नहीं. हम TD पहले माइनस करते थे, उसके बाद CD माइनस करते थे, यानी कि कैश डिस्काउंट, वो अपन देखते थे बाद में. लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है TD की, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट की. तो बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, आपको दिमाग में आ ही गया होगा, मैंने जनरल एंट्रीज का नाम ले लिया है तो 11th का.
780,000 में से अपन 5% जो है 5% माइनस कर देंगे और जो बचा हुआ उसको करेंगे सेल कंसीडर। ठीक है, तो कैलसी अपना हाथ में लो, मैंने तो ले लिया। और 780,000 में से अपन क्या करेंगे, 5% लेस कर देंगे किसका, टीडी का, ट्रेड डिस्काउंट का, तो अपना बचा 741,000। ठीक है, तो सेल कितनी मानेंगे अपन, 741,000। बहुत ही ईजी था भाई, बचपन की बातें हैं, 11th स्टैंडर्ड में अपन ऐसे ही जनरलिटीज पास करते थे। तो ये आपकी हो गई मई 2020 की आरटीपी ख़त्म। अब आते हैं अपन नवंबर 2019 की आरटीपी पर उससे पहले मैं एक बात बता दूँ, ये जो मैंने आपको चारों केस डिस्कस करे हैं इसके एक बार आप क्वेश्चंस और साथ के साथ एक बार आंसर्स, ताकि आपको प्रेजेंटेशन पता चल जाए, ये मेरे से प्रॉमिस करो अभी के अभी कि आप ये काम करोगे लेक्चर ओवर होने के बाद। ठीक है, ये वीडियो ओवर होने के बाद आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चंस और इसके आंसर्स दोनों को एक बार रीड आउट करना है, जिससे कि आपको इसकी प्रेजेंटेशन अच्छे समझ में आ गई, यानी कि आपको एक क्वेश्चन है वो वहाँ पर कैसे लिखना है वो समझ में आ गया। जितना भी मैंने बोला है ना यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ उतना ही आपको लिखना है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS के क्वेश्चंस में हमें ज़्यादा नहीं लिखना होता, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक जो भी आइटम है, जो भी चीज़ें हैं वही लिखनी है। ठीक है, तो आओ, नवंबर 2019 की आरटीपी आपकी स्क्रीन पर होगी, उसे देखो क्या बोल रही है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड ऑन 31st मार्च 2019 टू इंक्रीज द सेल प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम। कुछ आइटम्स का वो क्या करना चाहते हैं, सेल प्राइस इंक्रीज करना चाहते हैं, यानी कि रेवेन्यू बढ़ेगा। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब पहले से, फ्रॉम 1st जैन 2019। देखो ये बात कब कर रहे हैं, 31st मार्च 2019 की, यानी कि साल के ख़त्म होने से, और बोल रहे हैं कि साल के ख़त्म में हम प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं और जो रेवेन्यू आएगा आपका वो 1st मार्च से ही हम कंसीडर करेंगे। पता नहीं क्या बोल रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा भाई। 31st मार्च को आप प्राइस इंक्रीज कर रहे हो और उसका इफेक्ट कब से दिखा रहे हो, रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि 1st जनवरी से। इन व्यू ऑफ दिस प्राइस रिवीजन, यानी कि जो प्राइस रिवाइज किया अपन ने विद इफेक्ट फ्रॉम 1st जनवरी 2019, यानी कि 3 महीने का, द कंपनी हैज़ टू रिसीव 15 लाख फ्रॉम इट्स कस्टमर। और उन्होंने कैलकुलेशन भी कर ली भाई, बड़े तेज हैं ये लोग, बहुत तेज हो रहे हैं, इन्होंने 15 लाख का जो है कस्टमर से पैसा भी लेंगे, सोच रहे हैं ऐसा। इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्स मेड फ्रॉम 1st जैन 2019 टू 31st मार्च 2019, यानी कि 3 महीने का इन्होंने, 3 महीने के एंड जब ख़त्म हुआ था और बोल रहे हैं कि सेल को प्राइस को इंक्रीज कर देंगे, और 3 महीने यानी कि जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का अपन क्या करेंगे, 15 लाख रुपये एक्स्ट्रा लेंगे अपने कस्टमर से। अपनी मन गणन चल रही है इनकी अभी, इन्होंने कुछ मतलब कस्टमर की तरफ से कोई वो नहीं है, कुछ दे रखा है क्या, कुछ भी नहीं दे रखा कस्टमर की तरफ से, कस्टमर ने हाँ बोली ना बोली, खुद के ख्याली पुलाव चल रहे हैं इनके। अकाउंटेंट कैन नॉट मेक अप हिज माइंड वेदर टू इंक्लूड 15 लाख इन दी सेल्स फॉर 2018-19 एडवाइस, यानी कि अकाउंटेंट की जो है वो समझ में नहीं आ रहे, उसका दिमाग हट चुका है, आतमाजी सटक ली कि भाई क्या करे, वो 15 लाख डाले कि नहीं डाले। ठीक है, तो 15 लाख जो है उसका रेवेन्यू जो है वो कंसीडर करे या नहीं करे उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो हमें एडवाइस करना है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये आपका है क्वेश्चन नवंबर 2019 का, और अगर आप यही क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका मटेरियल में, स्टडी मटेरियल में ऐसा एक क्वेश्चन सेम टू सेम है, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 1 ही जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ सेम है। ठीक है, तो अपन इससे भी देख लेते हैं एक बार, देखो सेम है ना बिल्कुल, बस यहाँ पर 17 की जगह आपका 19 है, बाकी सब सेम है। 15 लाख रुपए का 1st जनवरी से 31st मार्च, यानी कि 3 महीने का, अकाउंटेंट कैन नॉट मेक हिज माइंड, ठीक है वही है। तो ये वाला इसलिए तो आपने इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लिया होगा, क्योंकि ये आरटीपी में भी है और ये मटेरियल में भी है, तो इंस्टीट्यूट चाहता है कि अपन इसे 2 बार पढ़कर जाएं, तो हम भी इसे अच्छे से करेंगे। ठीक है, मई 2020 की आरटीपी हमारी हो चुकी है, अब आएंगे अपन नवंबर 2019 की आरटीपी पर। ठीक है, मई 2020 की आरटीपी में 4 केस थे और नवंबर 2019 की आरटीपी जो है उसमें एक ही क्वेश्चन है। ठीक है,
तो जैसे कि आपको दिख रहा था ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे अपन लिख भी लेते हैं कि इसकी अपन को प्रेजेंटेशन कैसी करनी है। ठीक है, उससे पहले आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा वो क्या चाह रहे हैं। देखो वो क्या चाह रहे हैं, वो यहाँ पर है 31 मार्च 2019 को, और यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि अपन प्राइस रिवीजन कर रहे हैं, प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं, और इंक्रीज़ कहाँ से कर रहे हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी कि ये 3 महीने से, 1 जैन 2019 यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, तीनों महीने में अपन ये कर रहे हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें 15 लाख रुपए, क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ कर रहे हैं तो सेल प्राइस, पूरा सेल वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज़ होगा, और उससे हमें क्या मिलेंगे, 15 लाख एक्स्ट्रा मिलेंगे। सब कुछ मन में इन्होंने सोच रखा है, बहुत तेज़ है। लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी जो केस हमें दे रखा है वहाँ पर कहीं भी ये नहीं बोला कि कस्टमर की क्या है, क्या कस्टमर ने हाँ बोला है। अगर कस्टमर ने कुछ बोला ही नहीं है तो भाई तुम कैसे बोल रहे हो कि हाँ ये पैसे देंगे। देखो अगर मैं ऐसे बोलूँ, अपना अपना एग्जांपल अलग बनाते हैं, ठीक है। मैंने आपको कुछ पेन भेजे, देखो कि मेरे पास कुछ पेन है, और ये वाइटनर, स्केल, ये सब रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ने मार्कर्स वगैरह, ये सब मैंने आपको बेचा है, ठीक है, ये सब मैंने आपको बेचा है 5 पर रुपीज़ से, 5 रुपीज़ ईच, ठीक है। ये मैंने आपको बेचा है 3 महीने पहले 5 रुपीज़ ईच से, और मैंने यहाँ पर हर चीज़ आपको 5 रुपये से बेची, और आपने मुझसे 10 पेन खरीदे हैं, तो मैंने यहाँ पर जो है वो 50 रुपये सेल्स रखी है। अब मैंने बताया क्या क्या, 31 मार्च को, ये मैंने कब सेल किया आपको, 1 जनवरी को, और 31 मार्च को यहाँ पर मैं क्या सोच रही हूँ कि 5 रुपये का नहीं, मैं आपको 10 रुपये का दूँगी, 10 यूनिट आपने मुझसे ख़रीदे हैं, तो ये हो गया आपका 100, तो इससे मुझे जो है वो 50 रुपये का यानी कि दुगना जो है वो फ़ायदा होने वाला है। मैंने आपसे कुछ भी ऐसा नहीं बोला, बस अपने मन में वो लगाया गणित, और मैंने कहा वाह मैंने इनको सिर्फ 5 रुपये का दिया, नहीं, मैं सेल प्राइस जो है वो इंक्रीज़ करूँगी, 5 रुपये नहीं, अब सेल प्राइस हो जाएगी 10 रुपये, यानी कि रिवीजन हो गया प्राइस का। और अगर सेल प्राइस का इंक्रीज़ होता है तो फिर सेल वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, पहले सेल वैल्यू कितना था 50 रुपीज़, और अब कितना हो जाएगा 100 रुपीज़, यानी कि कितने का फ़ायदा हो गया, 50 रुपीज़ का। अब मैं अपने अकाउंटेंट से बोल रही हूँ ये 50 रुपीज़ का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दो। अब वो सोच में पड़ गया बेचारा कि ये 50 रुपये जो है ये मैं कैसे रिकॉग्नाइज़ कर दूँ, क्यों, क्योंकि मैंने कस्टमर से तो बात करी नहीं है, मैंने आप लोगों से बात करी नहीं कि ये पेन जो आप ले गए हो मैं उसको अब 100 रुपये का रख दे रही हूँ, आप मुझे 100 रुपये देना। तो आपको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा है कि ये सब पागलपना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक कस्टमर की रजामंदी नहीं होगी, कस्टमर ये 5 रुपये पर ले गया है तो अपन अब 10 रुपये पर कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब हमें इसे क्या करना है, प्रेजेंटेशन देखनी है, ये तो आपको समझ में आ गया कि कस्टमर का कुछ भी नहीं है। अब हम इसे वहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो अपनी अपनी कॉपी और पेन निकाल लो। अब बोलोगे लॉकडाउन की वजह से मैम हम पे क्या नहीं है, कॉपी नहीं है, तो हाथ है, हाथ पर लिख लो कहीं पर भी लिखो मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन आपको दीवार पर लिखना है दीवार पर लिखो, बचपन की तरह, हाथ पर लिखना है हाथ पर लिखो। लेकिन आपको ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं पता, आपको ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। तो चलो आओ यार लिखते हैं, हेडिंग डाल देना नवंबर 2019 की आरटीपी, ठीक है। सबसे पहले कैसे शुरुआत करते हैं एएस की, एएस की शुरुआत करते हैं एएस के नंबर से और उसके नाम से। एस पर AS9 बिल्कुल तरीके से रेवेन्यू रिकॉग्निशन, एस पर AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू शाल बी रिकॉग्नाइज, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा, रेवेन्यू शाल बी रिकॉग्नाइज ओनली इफ, तभी रिकॉग्नाइज होगा ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कोई भी एएस हो और वहां पर कंडीशंस में जो है, जहाँ पर कंडीशंस हो, तो आपको पहली लाइन यही लिखनी है, एस पर AS9 कोई भी अगर AS हो तो उसका नंबर लिख देना, रेवेन्यू रिकॉग्निशन,
रेवेन्यू शाल भी रिकॉग्नाइज, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा, रेवेन्यू शाल भी रिकॉग्नाइज तब होगा, ऑनली तभी होगा द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर ये जो फॉलोइंग कंडीशंस जो आपको यहाँ कंडीशंस लिखी जाएंगी वो कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तभी आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अब कौन सी कंडीशंस है, तो कंडीशंस मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी है, पहली थी ओनर्स ऑफ गुड्स, ओनरशिप ट्रांसफर है ना, ओनरशिप ट्रांसफर यहाँ पे गुड्स की बात कही है, तो ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर, फिर क्या बोला था उसके साथ के रिस्क और रिवॉर्ड्स भी ट्रांसफर हो गए, और थर्ड क्या थी बोलो, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट थी, तीनों केस में सेम थी, वेरी गुड, किसके दिमाग में पहले आई, बहुत अच्छी बात, नो अनसर्टेनिटी, कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। तो पहली लिखो ओनरशिप ऑफ गुड्स इट्स ट्रांसफर्ड, ओनरशिप गुड्स की ट्रांसफर्ड हो गई हो। सेकंड रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड, देखो मेरे पास स्पेस नहीं है, हर चीज़ की कमी हमारे घर पे भी है, रजिस्टर की हर चीज़ की, देखो किस तरीके से लिख रही हूँ मैं बचा बचा के, ये बस आखिरी पेज है, इस पर फिर पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, आखिरी पेज है इसका, इसलिए मैंने आखिरी पेज को आपकी प्रेजेंटेशन के लिए यूटिलाइज किया। थर्ड देयर इज नो अनसर्टेनिटी, कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए किसमें, इन कलेक्शन, देयर इज नो अनसर्टेनिटी इन कलेक्शन, ये तीनों कंडीशन जो है आपके नोट्स में लिखी हुई है, वहाँ से तीनों की तीनों कॉपी पेस्ट कर देनी है, ठीक है। तो एज पर AS 9 रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा, तब होगा जब ये फॉलोइंग कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होंगी। तो आपको जो स्टार्टिंग है AS की जो शुरुआत है वो इस तरीके से करनी है, अगर उस क्वेश्चन में अकेला एक ही क्वेश्चन है, जैसे नवंबर 2019 के क्वेश्चन जो है वो अकेला एक ही क्वेश्चन है, एक ही केस दे रखा है, लेकिन मई 2020 के RTP में एक क्वेश्चन था लेकिन उसमें केस जो थे वो चार थे, और इसमें एक ही क्वेश्चन है एक ही केस है, एक ही क्वेश्चन एक ही केस है, तो एक संग लिखते हैं ना, और मई 2020 की RTP कैसे लिखनी है आपको, एक क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन की इस तरीके से शुरुआत करना, उसके बाद एक एक केस लिख देना, जैसे फर्स्ट केस इन दिस केस, सेकंड वाले केस में इन दिस केस, थर्ड केस में इन दिस केस, मतलब ये जो शुरुआत है ना वो हर केस में मत लिखना, मैं बस इतना बताना चाह रही हूँ, शायद ये आपको बात समझ में आई है, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, बताना मुझे आपको इसकी प्रेजेंटेशन समझ में आई कि नहीं आई, मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि एक क्वेश्चन में अगर ज़्यादा केस हो तो बार बार ये सारी जो कंडीशन है वो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो इंट्रोडक्शन है बस एक बार देना है, उसके बाद केस नंबर 1 के बारे में लिख दो, केस नंबर 2 के बारे में लिख दो, केस नंबर 3, बस इतना कहना चाह रही हूँ, ये इंट्रोडक्शन बार बार मत लिखना। आओ फटाफट आगे लिखते हैं, इन दिस केस, इस केस में क्या हुआ था, इट इज गिवन, क्या क्या गिवन था, इन दिस केस इट इज गिवन दैट कंपनी विल अप्लाई प्राइस, कंपनी जो प्राइस है वो कैसे अप्लाई करेगी, रेट्रोस्पेक्टिवली फॉर विच, उससे क्या होगा, कंपनी विल अप्लाई प्राइस रेट्रोस्पेक्टिवली फॉर विच कस्टमर्स इज लायबल टू पे, कितने पे करने थे उनको, 15 लाख है ना, और हमारा जो छोटा सा एग्जाम्पल था उसमें कितना था, 50 रुपये, यानी कि आपने जो मुझसे पेन खरीदे आपको 50 रुपये और देने पड़ेंगे, उसी तरीके से यहाँ पर कस्टमर को 15 लाख रुपये और देने पड़ेंगे, तो कस्टमर किसके लायबल हो गए, 15 लाख से, बट इन द क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन में क्या था, इन द क्वेश्चन इट इज़ नॉट गिवन, यहाँ पे क्या नहीं दे रखा, पहले बता दिया हमने क्या दे रखा है, अब बता दो क्या नहीं दे रखा, इट इज नॉट गिवन दैट कस्टमर्स आर अग्रीड, कस्टमर्स एग्रीड हुए हैं या नहीं हुए ये हमें नहीं पता, अग्रीड टू पे 15 लाख रुपीस, ठीक है,
कहीं पर कोई मिस्टेक हो तो आप देख लीजिएगा अपनी तरफ से, और इसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। ये वाली बस इंट्रोडक्शन जो है हर एएस में सेम लिख देना, बाकी ये आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, लेकिन मैं इसलिए लिखा दे रही हूँ कि आपको पता तो चले हाँ किस तरीके से लिखते हैं। ऐसे लिखते जाओगे तो आपको भी लिखना अपने आप आ जाएगा। अब देखो यहाँ हो गया, इन दिस केस क्या गिवन था क्या गिवन नहीं था वो हमने लिख दिया। अब आगे आओ, यहाँ पे लिखो इफ, अब हम अपनी बताते हैं, इफ देयर इज सर्टेनिटी, अब अपन क्या बोल रहे हैं, इफ देयर इज सर्टेनिटी, इफ देयर इज सर्टेनिटी देन क्या करे कंपनी, अगर वो बोल रहे हैं कि मतलब वो दे सकते हैं, अगर कस्टमर दे सकते हैं तो कंपनी शैल रिकॉग्नाइज, तब तो कंपनी क्या कर ले रिकॉग्नाइज कर ले इट एज रेवेन्यू, कंपनी शैल रिकॉग्नाइज इट एज रेवेन्यू, तब तो रिकॉग्नाइज कर ले, लेकिन अगर नहीं है सर्टिनिटी तो क्या कर ले रिकॉग्नाइज नहीं करे, क्योंकि हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, क्वेश्चन में आधा अधूरा क्वेश्चन है, पूरा है ही नहीं है क्वेश्चन में, पता ही नहीं है कि कस्टमर्स की क्या राजी है कि नहीं है, हमें तो ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन जो है वो ख्याली पुलाव है, ठीक है, तो अपन जैसा हमें लग रहा है हम लिख देंगे। अब बोल रहे हैं इफ देयर इज अनसर्टेनिटी, और अगर अनसर्टेनिटी हुई तो क्या करें देन कंपनी शुड नॉट, कंपनी को नहीं करना चाहिए शुड नॉट रिकॉग्नाइज, ये मेरी राइटिंग का हो गया बस, क्या करूँ मैं इसका, इट शाल इफ देयर इज अनसर्टेनिटी देन कंपनी शुड नॉट रिकॉग्नाइज इट एज रेवेन्यू, ठीक है, या अपन वही वाली लाइन लिख सकते हैं जो अपन ने नोट्स में लिखी है कि अगर कंपनी क्या कर दे इसको पोस्टपोन कर दे, कंपनी शुड नॉट रिकॉग्नाइज इट एज रेवेन्यू, इट शाल भी क्या कर दे इसको पोस्टपोन कर दे, ठीक है। लास्ट में एक लाइन कंक्लूजन की लिखी है ना, क्या लिखोगे कि इन दिस केस कंपनी शुड नॉट रिकॉग्नाइज प्राइस एज रेवेन्यू अनलेस देयर इज अप्रूवल ऑफ कस्टमर, जब तक कस्टमर्स का अप्रूवल ना आए तब तक कंपनी को क्या करना चाहिए रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपको होप सो पूरी की पूरी जो है वो केस समझ में आया होगा, इसकी प्रेजेंटेशन भी समझ में आई, कंक्लूजन में अपना दे देना कि जब तक अप्रूवल नहीं आता कस्टमर्स का तब तक जो प्राइस रिवीजन से आपने जो रेवेन्यू जनरेट किया 50 लाख का उसको आप रिकॉग्नाइज ना करें, ठीक है। तो पूरा आप एक बार देख सकते हैं, यहाँ से अपन ने शुरू किया था AS9 तरा तरा। सो यहाँ पर आपका नवंबर 2019 की भी RTP ख़त्म होती है, दोनों RTP अपन ने कर ली, AS9 का ऑलरेडी रिवीजन कर लिया था, उसका शॉर्ट रिव्यू देख भी लिया था, ठीक है। अब मुझे मालूम है आप लोग यहाँ से जाने के बाद ये वीडियो बंद करोगे और सो जाओगे, आई नो मुझे पता है, इसलिए इसके बाद ही मैंने अभी स्क्रीन पर मई 2020 के RTP के क्वेश्चंस और आंसर दोनों ही साथ में लगाए हैं, फटाफट एक बार उसे रीड आउट करो, उसके बाद ही जो है जो करना हो करना, ठीक है। तो देख लो वहाँ पर क्या दे रखा है, तो देखा क्या लिखा है, पहला केस था आपका जहाँ पर गुड्स बेचे थे 60,000 के 20 मार्च 2019 को, लेकिन उसकी डिलीवरी जो है वो बाद में हुई थी, तो इसका आंसर क्या है कि डिलीवरी से मतलब नहीं है, हमने गुड्स डिलीवरी स्टेट में है, और दूसरी चीज़ हमने बायर को इन्फॉर्म कर दिया है तो अपन इसको सेल रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ये हमने कहा पढ़ा था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। तो देखो केस वन का आंसर साथ के साथ देखते जाओ, द सेल इज़ कम्प्लीट, सेल कम्प्लीट है, क्यों कम्प्लीट है उन्हें भी पता है, क्योंकि वो डिलीवरी स्टेट में है और इन्फॉर्म कर दिया है बायर को, बट डिलीवरी हैज़ बीन पोस्टपोन, जो डिलीवरी है वो पोस्टपोन कर दी एट बायर रिक्वेस्ट, तो मैसेज पेपर प्रोडक्ट लिमिटेड ये क्यों लिखा है, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था वो मेघना लिमिटेड का था ना, तो आपको मेघना लिमिटेड लिखना है, ठीक है। मेघना लिमिटेड शुड रिकॉग्नाइज द एंटायर सेल, मेघना लिमिटेड क्या कर सकती है पूरी की पूरी जो सेल है 60,000 कब की मान सकती है 31 मार्च 2019 की, ना कि अप्रैल की, कब की मान सकती है 31 मार्च 2019 की, क्यों, क्योंकि डिलीवरी नहीं, डिलीवरी ही पोस्टपोन हुई है, सेल तो आपकी हो गई, ठीक है। इससे पहले आपने देखा ऊपर देखो किस तरीके से इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, इंट्रोडक्शन में आपकी वही सेम इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको अभी नवंबर 2019 के RTP में लिखवाया है ना, हाँ यही वाला
सेम टू सेम आपको वही वाला इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद एक एक केस करके सारे के सारे आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो पहले इंट्रोडक्शन जैसे कि वहाँ पर दे रखा है कि ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र हो गए और देयर इज़ नो अनसर्टेनिटी, ये तीनों कंडीशन लिख देना, उसके बाद एक एक केस करके आंसर लिखना। तो केस नंबर वन का आंसर देख लिया, केस नंबर टू देखो। केस नंबर टू में था 150,000 के गुड्स जो है वो कंसाइनमेंट पर बेचे थे, लेकिन जो कंसाइनी है उसने सिर्फ और सिर्फ 80% यानी कि 120,000 ही जो थर्ड पार्टी है उसको बेचे थे, 20% यानी कि 30,000 अभी भी अनसोल्ड है। तो अपन उसको क्या मानेंगे, अनसोल्ड ही मानेंगे क्लोजिंग स्टॉक में, और 120,000 को सेल मानेंगे, सिर्फ और सिर्फ कितनी मानेंगे, 120,000 को सेल मानेंगे। तो देखो केस नंबर टू का आंसर, 20% गुड्स लाइंग अनसोल्ड विथ कंसाइनिंग, कंसाइनिंग के पास अनसोल्ड है, शुड बी ट्रीटेड एज क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्या मानेंगे उसे, क्लोजिंग इन्वेंट्री, एंड सेल शुड बी रिकॉग्नाइज, सेल कितनी रिकॉग्नाइज होगी आपकी, 120,000, क्यों, क्योंकि वो है आपकी 80%, 150,000 की। इन केस ऑफ कंसाइनमेंट सेल रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज अंटिल द गुड्स आर सोल्ड टू अ थर्ड पार्टी, क्या बोल रहे हैं, तब तक सेल नहीं मानी जाएगी जब तक जो अनसोल्ड गुड्स हैं वो किसको नहीं बेच दिए, थर्ड पार्टी को बेच नहीं दिए, तब तक उसको सेल नहीं मानेंगे। केस नंबर टू का भी आंसर आपने देख लिया, वेरी गुड। केस नंबर थ्री देखो, केस नंबर थ्री में था 120,000 के गुड्स थे, 75% की हाँ थी और 25% की ना उन्होंने हाँ बोली ना उन्होंने ना बोली, और टाइम इलेप्स हो गया, तो अपन क्या मानेंगे, उसकी भी हाँ मानेंगे, यानी कि 100% को अपन क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज कर देंगे एज सी। इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि टाइम आउट होता जा रहा है, मैं आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रिव्यू दे रही हूँ, नहीं तो आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड देखो क्या आंसर है, इन केस ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, पहले अच्छी बात बोली, बिल्कुल तरीके से लिखते हैं आंसर, इस तरीके से ही आपको लिखना है, रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज अंटिल द गुड्स हैव बीन फॉर्मली एक्सेप्टेड बाय द बायर, जब तक बायर ने एक्सेप्ट नहीं करे तब तक हमें सेल रिकॉग्नाइज नहीं करनी, और द बायर हैज़ डन एन एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजेक्शन और द टाइम पीरियड, या तो उसने अभी तक हाँ नहीं बोली या फिर उसने कोई ऐसा एक्ट कर दिया जिससे हम मानेंगे हाँ है, और लास्ट बोल रहे हैं टाइम इलेप्स्ड हो गया, ठीक है, और वेयर नो टाइम हैज़ बीन फिक्स, अगर अपने वाला जो क्वेश्चन था, अपना वाला जो केस था गिवन, केस में तो हमें 3 महीने टाइम दे रखा था, लेकिन अगर टाइम नहीं दे रखा हो तो हम एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम मान सकते हैं कि रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम इलेप्स्ड हो जाएगा तो हम उसको सेल कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। ऐसे थोड़ी है जन्म जान तक उनने हमें हाँ नहीं बोली और हमने सेल रिकॉग्नाइज ही नहीं करी, ऐसा कुछ नहीं है, हम एक रीजनेबल टाइम पीरियड मान लेंगे। बोल रहे हैं देयरफोर क्या करना है हमें, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज फॉर दी टोटल सेल्स अमाउंटिंग टू 120,000, टोटल सेल एंटायर सेल जो भी है आपकी 120,000 उसको हम रिकॉग्नाइज कर देंगे, क्यों, एज द टाइम पीरियड फॉर रिजेक्टिंग, रिजेक्ट करने का टाइम इलेप्स्ड हो चुका है। केस नंबर फाइव, केस नंबर फाइव तो आपको याद होगा 11th स्टैंडर्ड की अपनी जनरल एंट्री ट्रेड डिस्काउंट वाली, तो अपन को क्या करना है, देखो ट्रेड डिस्काउंट गिवन, जो भी ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है शुड बी डिडक्टेड इन डिटरमाइनिंग रेवेन्यू, यानी कि जब हम रेवेन्यू को डिटरमाइन करते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट हमें डिडक्ट करना चाहिए, दस 39 शुड बी डिडक्टेड, वेरी गुड। 39,000 कैसे निकाला इन्होंने, 7,80,000 का 5% शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ टर्नओवर, जो 7,80,000 का टर्नओवर है उसमें से 5% जो है 39,000 हमें डिडक्ट करना है फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के लिए, 10 10 10 रेवेन्यू कितना हो गया, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज 7,41,000, क्योंकि 7,80,000 में से 5% टीडी हट चुका है, समझा, सारे के सारे केस हो चुके हैं हमारे, और मुझे मालूम था कि आप इसे अपने आप नहीं पढ़ोगे, इसलिए मैंने लास्ट के 5 मिनट में ये मैंने आपको खुद ही रीड आउट करा ली, तो आपका क्या है, एक रिवीजन में भी रिवीजन हो गया, रिवीजन में रिवीजन, वाह क्या बात है। और एक क्वेश्चन अपन ने लिख के भी देख लिया, इस क्वेश्चन को एक बार हो सके तो लिख के देख लेना, मुझे नहीं लगता ये मुझे अब वीडियो बनाने देंगे, ठीक है, बहुत बोल पीछे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और हाँ अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करना, ठीक है, बाय, बी हैप्पी ऑलवेज़।